रहे हैं झकास भारत और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। इस वक्त हम कांग्रेस विधायक दल के नेता अजीत शर्मा जी के घर के पास घर में हैं और जेएनयू छात्र संघ के पूर्व अध्यक्ष कन्हैया कुमार जी से हम बात करेंगे। कांग्रेस ज्वाइन करने के बाद उन्होंने वो पहली बार पटना पहुंचे हैं। तो जेएनयू छात्र संघ के पूर्व अध्यक्ष और अब कांग्रेस नेता कन्हैया जी हमारे साथ हैं। कन्हैया जी, सवाल हो सकता है इस संदर्भ से अलग हो, लेकिन हमारा सवाल ये है कि क्या आरजेडी और कांग्रेस के बीच अभी जो चल रहा है इसके लिए जो है आपको हमारे प्रभारी से बात करना चाहिए, एलओपी से बात करना चाहिए, नहीं हमारे जो प्रदेश के अध्यक्ष सवाल सुन लीजिए। सवाल हमारा ये है, हमारा सवाल ये है कि क्या ये कन्हैया कुमार जी का इम्पैक्ट है? कन्हैया कुमार जी आए हैं और उसके बाद इस परसेप्शन को खारिज करने की कोशिश है कि आरजेडी जो ट्रीट करती रही है जिस तरीके से, वो ट्रीटमेंट अब कांग्रेस नहीं सहेगी। नहीं नहीं, ये तो मुझे नहीं पता है अब ये कौन ट्रीट कर रहा है और कौन ट्रीट ले रहा है, ये सवाल तो उनसे पूछे। बिहार उपचुनाव में क्या बदल जाएगा आपके आने से कांग्रेस के हित में? नहीं नहीं, बिहार उपचुनाव में कुछ नहीं बदलता है। चुनाव जब होता है और उसको लेकर के जब आप जनता के बीच में जाते हैं, उनसे संवाद करते हैं, उस पर जो है चर्चा होती है, फिर लोगों का सोच बदलना शुरू। बिहार उपचुनाव की लड़ाई कन्हैया वर्सेस तेजस्वी हो गई है? नहीं नहीं, कन्हैया वर्सेस हम एमएलए का चुनाव लड़ रहे हैं, तेजस्वी एमएलए का चुनाव लड़ रहे हैं, दोनों चुनावी मैदान। आइए आइए, भोजन कीजिए। आखिरी सवाल है कन्हैया जी, कन्हैया जी आखिरी सवाल है, कन्हैया जी आखिरी सवाल है, सुन लीजिए कन्हैया जी आखिरी सवाल है, सुन लीजिए। तो चलिए, कन्हैया जी हमारे साथ थे और हम उनसे बात कर रहे थे और कई सवाल थे जिस पर हमने बातचीत की जेएनयू छात्र संघ के पूर्व अध्यक्ष कन्हैया कुमार से, और उन सवालों के जवाब भी हमको मिले हैं। थोड़ी जल्दबाजी में थे, थोड़ी हड़बड़ी में थे, इस पूरे इंटरव्यू में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।